We're the United States of America, and nothing is beyond our capacity. Welcome back to Bidi Sashikal, sab vadiya te kamal. कमाल ही हो गया भाई. आज प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक अनाउंसमेंट दी है, एग्जीक्यूटिव एक्शन, जिसमें जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल लोग हैं उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिल रही है. Today I'm announcing a common sense fix to streamline the process for obtaining legal status for immigrants married to American citizens. जितने भी लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आए थे उनके लिए इस न्यूज में बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशी है. और मैं भी ये न्यूज देखकर दंग रह गया कि भाई ये तो बहुत ही तगड़ा, और एक बोलते ना प्रेसिडेंट की पावर दिखाना, इस टाइम वही कर रहे हैं. पिछले दो हफ्ते पहले बॉर्डर को बंद किया, अभी एक और एक्शन लेकर आ रहे हैं जिसमें अनाउंसमेंट किया उन्होंने कि जितने भी इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं जो कि मैरिड हैं यूएसए के सिटीजन के साथ, उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है अमेरिका में ही रहकर. For those wives or husbands and their children who have lived in America for a decade or more but are undocumented, this action will allow them to file a paperwork for legal status in the United States. कंट्री वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये आज पूरी एक डिटेल में आपको बताता हूँ इसमें कि क्या क्या चीजें, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, और ये खास उन्हीं के लिए जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आए. पहले बात कर लेते हैं, जब भी आप किसी यूएस सिटीजन से शादी करते हो तो अगर आपको अपना स्टेटस यहाँ पे एडजस्ट करना है, बेसिकली ग्रीन कार्ड लेना है, तो आपकी एंट्री लीगल होनी चाहिए अमेरिका में. अगर आपकी एंट्री लीगल नहीं है तो फिर आपको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ता है अगर आपको अमेरिका का ग्रीन कार्ड चाहिए. इसमें कैंसिलेशन ऑफ रिमूवल, 601, I-601 वेवर, काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं जिसमें आपको हार्डशिप दिखानी पड़ती है. बहुत सारे प्रोसेस हैं जो कि आपको कोर्ट में जाके प्रूव करना पड़ता है, तो जाके पॉसिबिलिटी होती थी कि आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा. जितने भी लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आते थे उनके लिए, जो तो लीगली आते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका वही नॉर्मल. अगर आप यूएसए सिटीजन से शादी करते हो तो आप यहीं पे एडजस्ट कर सकते हो अपना स्टेटस. लेकिन जितने इलीगल लोग थे, जितने लोग बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, उनके लिए न्यूज़ बहुत तगड़ी है. और इसमें 10 साल मिनिमम, जो 10 साल लोग यहाँ पर रहे हैं और उन्होंने अगर किसी यूएस सिटीजन से शादी की है तो उनको परमानेंट रेजिडेंसी अमेरिका में रहकर ही मिल सकती है. अब आपको अपनी कंट्री वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट और बहुत ही तगड़ी न्यूज़ है. जितने भी लोग अनडॉक्यूमेंट हैं उनको भाई इतनी रिलीफ मिलेगी इस प्रोग्राम के थ्रू. तो बेसिकली ये है पैरोल इन प्लेस प्रोग्राम. व्हाइट हाउस इमिग्रेशन रिलीफ प्रोग्राम की वजह से करीब करीब 5 लाख लोगों को लीगल स्टेटस मिलेगा, वो परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जा सकते हैं. इतने सालों से जो लोग इलीगली रह रहे थे, छुप छुप कर रह रहे थे, अनडॉक्यूमेंटेड थे, अब वो लोग इस परमानेंट रेजिडेंसी में अप्लाई कर सकते हैं. इस प्रोग्राम के थ्रू वो लोग रिलीफ ले सकते हैं. पर इसकी 3 रिक्वायरमेंट है. पहली रिक्वायरमेंट कि आप यूएसए सिटीजन के स्पाउस होने चाहिए, मतलब आपने अगर शादी की है, आपने मैरिज की है, तो आपने यूएसए सिटीजन से शादी की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. दूसरी रिक्वायरमेंट, मिनिमम 10 साल आप अमेरिका में रहे हो, पिछले 10 साल या उससे ज्यादा अगर आप अमेरिका में हो और आपका स्पाउस एक यूएसए सिटीजन है, आप अप्लाई कर सकते हो. तीसरी रिक्वायरमेंट, आपका बैकग्राउंड चेक पास होना चाहिए. अब अमेरिका में जब भी कोई भी काम, कोई भी जॉब, कुछ भी करना है तो आपका बैकग्राउंड देखा जाता है कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं आपने की है, कोई किसी की जान तो नहीं ले ली, या कुछ ऐसा गांजा वांजा फूंक दिया, कुछ स्मगल कर दिया, कुछ ड्रग्स में फंस गए, या फिर कुछ लोग जो है बुलेट्स वगैरह की जो है स्मगलिंग करते हैं, गन्स करते हैं, गन वायोलेशन करते हैं, ये सब बैकग्राउंड चेक में आता है. और अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो आप ये 3 रिक्वायरमेंट जब आप फुलफिल करते हो तो आप परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हो. ये प्रोग्राम बहुत लोगों को रिलीफ देगा, क्योंकि मैं जब यहाँ पे देखता हूँ ना, काफ़ी लोग हैं जो छुप छुप कर रहते हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, काम भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन लीगली कार नहीं चला सकते आप, लीगली जो है जॉब नहीं कर सकते, अच्छी अच्छी जगह पे काम नहीं कर सकते जहाँ पर आपको SSN नंबर चाहिए रहता है. लेकिन इस रिलीफ की वजह से आपको प्रॉपर वर्क परमिट मिलेगा, प्रॉपर SSN, और हर वो चीज़ मिलेगी जब आप एक परमानेंट रेजिडेंट को मिलती है और आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं. प्रेसिडेंट जो बाइडेन को मानना पड़ेगा भाई, दे तरह की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहे हैं. अभी 2 हफ्ते पहले बॉर्डर पे जो ऑर्डर दिया था कि भाई असाइलम को रिस्ट्रिक्ट की जाए, 2500 लोग ही एंटर करें, उससे ज़्यादा नहीं,
अगर 1500 से कम होता है तो लिफ्ट हो जाएगा। और कहना इनका ये मानना है कि पिछले दो हफ्ते में जो बॉर्डर पे एनकाउंटर है, जो लोग आते हैं वो कम हुए हैं, लोग आना थोड़े से 25% कम हो गए हैं। अब ये वाला एक्शन आ गया। अब इससे क्या हुआ कि पहले इन्होंने बॉर्डर बंद किया, अब इन्होंने कहा कि जो लोग ऑलरेडी इलीगली रह रहे हैं उनके लिए कुछ किया जाए, तो इन्होंने अब ये एक्शन लेकर आगे जिसमें अब लीगली आप परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हो, डरने की बात नहीं। इसीलिए बोलते हैं दुनिया को एक ऐसा लीडर चाहिए जो लोगों के लिए काम करे, ना कि लोगों को तंग करे। तो प्रेसिडेंट बाइडेन और उनकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इनका रिकॉर्ड आप देखोगे तो ये हमेशा ना इमिग्रेंट फ्रेंडली रहे हैं। वहीं अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, उनकी पार्टी है रिपब्लिकन, वो एंटी इमिग्रेंट पार्टी है। वो जब भी आएंगे ना, बात करेंगे डिपोर्टेशन, सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, डिपोर्टेशन की बात करेंगे, क्योंकि डिपोर्टेशन ऐसे ही उनको वोट मिलेगा, उनको वोट चाहिए, इसीलिए वो इमिग्रेशन का फंडा बीच में ले आते हैं। दिस पॉलिसी इट प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन टू अनडॉक्यूमेंटेड स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन ऑफ यूएस सिटीजन, हेल्प्स सर्टेन नॉन सिटीजन टू अप्लाई फॉर लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट, मस्ट हैव लिव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर ओवर 10 ईयर्स एज ऑफ June 17, 2024। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर आप फुलफिल करते हो तो भाई आप यहाँ पे अब ग्रीन कार्ड ले सकते हो। अमेरिका की जो हिस्ट्री है ना, उसमें अब ये एक बड़ा चेंज ऐड हो गया है। अब ये देखना है कि क्योंकि प्रेसिडेंट का जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है वो कोर्ट में चैलेंज होता है। अभी काफ़ी लोग कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। लेकिन जिस हिसाब से ये लोग इमिग्रेशन रिफॉर्म ला रहे हैं, तो मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर उनको मिल रहा है। काफ़ी लोग आ जाते हैं, मैं यहाँ पे देखता हूँ, लीगली इलीगली रहते हैं, काम भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन उनको पीआर का रास्ता दिखता नहीं है इतनी आसानी से। उनको ये नहीं मालूम कि वो घर वापस कैसे जाएंगे, उनको ये नहीं मालूम कि भाई परमानेंट रेजिडेंसी अगर मिलेगी तो कब मिलेगी। तो अगर आप 10 साल से ज़्यादा अमेरिका में रहे हो और आपका स्पाउस यूएसए सिटीजन है, तो आप अब लीगली परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हो, आपको कोई घबराने या आपको कंट्री छोड़ने की दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी लोग पूछेंगे कि ये एक्शन लेने की ज़रूरत क्या पड़ी। अभी यार वैसे तो इलेक्शन आ रही है, तो कुछ ना कुछ अभी आपको ऑफर भी करना है। और दूसरा अच्छी चीज़ ये है कि ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। वो क्यों? क्योंकि जितने भी लोग अनडॉक्यूमेंट थे वो टैक्स थोड़ी बढ़ते हैं, वो खाली कैश में पैसा लेते हैं, लेकिन अब जब वो डॉक्यूमेंट उनके हाथ में आएंगे, वो प्रॉपर टैक्स पेयर बन जाएंगे, तो ये इकोनॉमी के हक में डिसीजन है। जब आप प्रेसिडेंट बाइडेन की ये प्रॉपर जो स्पीच है वो सुनोगे, तो उन्होंने कहा है कि वी केयर अबाउट फैमिली मेंबर्स ऑफ यूएस सिटीजन आर इम्पॉर्टेंट। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। जो भी इमिग्रेशन, जो भी बॉर्डर से रिलेटेड सिचुएशन है, इसको एक पॉलिटिकल इशू नहीं, इसको फिक्स करना चाहिए। तो आप इनकी प्रॉपर स्पीच देखो। कीप फैमिलीज टुगेदर, दे हैव टू लीव देयर फैमिलीज इन अमेरिका विद नो एश्योरेंस दैट दे विल बी अलाउड बैक इन द यूनाइटेड स्टेट्स। वी कैन फिक्स दैट एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना डू टुडे। में डाका रेसिपिएंट्स की भी बात की गई है कि उनको भी वर्क वीजा मिलना चाहिए। डाका बेसिकली मींस डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स। जो लोग बॉर्डर पे, जो बच्चे आते हैं, उनको डिपोर्टेशन से बचा सकें और वो लोग यहाँ पर रह सकें, उनको प्रॉपर वर्क वीज़ा मिले, प्रॉपर तरीके से जो है सब चीज़ें हों, तो उनके लिए भी इस पॉलिसी में बात की गई है। तो ये दो चीज़ें आज की वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहली, अगर आप 10 साल से ज़्यादा अमेरिका में रहे हो, यूएस सिटीज़न के स्पाउस हो और आपका बैकग्राउंड चेक एकदम क्लीन है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है आपके उस पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी परमानेंट रेजिडेंसी लेने में। दूसरा जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने बात की है, वो बात की है डाका रेसिपिएंट, जो बच्चे हैं जो डिपोर्टेशन से जिनको बचा रखा है उनके ऊपर, ताकि उनको वर्क वीज़ा मिले। अगर वो पढ़ाई करते हैं तो उसमें उसी से रिलेटेड उनको जॉब मिलती है, तो उनको वर्क वीज़ा देना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होंगी। अब इलेक्शन भी आ रही है, और मैंने आपको पहले बताया था कि यूएसए की इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, क्योंकि यूएसए का लीडर इज़ द लीडर ऑफ़ द वर्ल्ड। जो यूएसए के प्रेसिडेंट है इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ़ द वर्ल्ड। तो अब इनके ऑपोजिशन में है डोनाल्ड ट्रंप, उनका हमेशा यही कहना है कि डिपोर्टेशन करूँगा, इमिग्रेंट्स आर पॉइजन टू द ब्लड ऑफ दिस कंट्री, ऐसी भी स्टेटमेंट उन्होंने दी है। कितनी काफ़ी लोगों ने इसको कंडेम किया, इवन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इनको इतनी बार कंडेम किया है। Words are poison the blood of the country.
when he calls immigrants, in his words, animals. He's actually saying these things. It's hard to believe it's being said. President Joe Biden ki ek quality ko main salute zarur karta hu ki ye na community ki jo problems hai unko dekh kar solution dete hain. Lekin wahi agar hum inke opposition pe dekhen Donald Trump, वो प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहे हैं. वो जब भी आप देखना मास डिपोर्टेशन की बात करते हैं, तो मास डिपोर्टेशन कहना बहुत आसान है गाइस, लेकिन फैमिली मेंबर्स, फॉर एग्जांपल जिसके बच्चे यूएस सिटीजन हैं और माँ बाप अनडॉक्यूमेंटेड हैं, माँ बाप इलीगल हैं, तो क्या आप उनको डिपोर्ट कर दोगे? बच्चों का क्या होगा? तो ये सब चीज़ें ना सोचने वाली है, जो कि प्रेजिडेंट बाइडेन जो है काफ़ी, मतलब इनको एक्सपीरियंस है, काफ़ी वाइज हैं, और ये जब स्पीच देते हैं ना, इनकी स्पीच देखने में, सुनने में मज़ा आता है, कि मतलब कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, कुछ चाइल्डिश नहीं लगता है इनकी स्पीच में. प्रॉपर, अब आपने ये वाला जो पॉलिसी है, ये इकोनॉमी के हक में देखकर पॉलिसी लाए हैं. बिजनेस लीडर्स, आस्क लेबर लीडर्स, आस्क इकोनॉमिस्ट्स, आस्क इलेक्टेड ऑफिशियल्स. They know it's good for American business. They know it's good for the American economy. They know it's good for America, period. अब आप बोलोगे इकोनॉमी के हक में कैसे हो गया? अगर 5 लाख लोगों को प्रॉपर वर्क परमिट मिलेगा तो यहाँ के टैक्स पेयर बनेंगे, तो जब टैक्स पेयर बनेंगे तो यहाँ की इकोनॉमी में उसका बहुत बड़ा हाथ होगा. तो ये सब चीज़ें जो है ऊपर वाले लोगों को अच्छी तरह से समझ में आती, तभी ऐसी पॉलिसी लाई जाती हैं. हमेशा याद रखना, जब भी कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए, अगर उस पॉलिसी से उनको कोई फायदा नहीं तो पॉलिसी कभी बनती नहीं. तो अभी ये पॉलिसी आई है, ऑब्वियसली इसका फायदा लोगों को भी है और यहाँ की कंट्री की इकोनॉमी भी है. और ये सब एग्जीक्यूटिव एक्शन क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि पहले एक बायपार्टीशन बिल आया था जिसमें इमिग्रेशन की बात की थी, इमिग्रेशन में जो जो लूप होल्स हैं उसके बारे में बात की गई थी, इलीगल जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उसके बारे में बात की गई थी, लेकिन उस बिल को रद्द कर दिया गया. क्यों? क्योंकि जब भी यहाँ पर एक लॉ बनता है तो उसको कांग्रेस में, कांग्रेस के दो हाउस हैं, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक है सेनेट, दोनों हाउस में मेजॉरिटी वोट से पास होकर वो प्रेजिडेंट के पास जाता है, फिर प्रेजिडेंट उसको साइन करते हैं, तो फिर वो एक लॉ बनता है. लेकिन अब बायपार्टीशन बिल जो पहले आया था करीब 4.5 महीने पहले, उसको रिपब्लिकन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भैया हम इसके हक में नहीं हैं. तो इसी वजह से जो बॉर्डर की प्रॉब्लम है वो भी इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की वजह से प्रेसिडेंट बाइडेन को लानी पड़ी. दूसरा, अभी ये जो अनडॉक्यूमेंटेड लोगों की बात की जा रही है वो भी इसी वजह से, जो बायपार्टीशन बिल था जो कि कहीं गया नहीं, जिसके काफ़ी फायदे हो सकते थे, काफ़ी लोगों को हो सकते थे, चाहे आपकी लीगल इमिग्रेशन है चाहे आपकी इलीगल इमिग्रेशन है. तो अब आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, जो एक प्रेसिडेंट की पावर होती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट की पावर होती है, उनको किसी की परमिशन या कंसल्टेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी जो पावर है उसको यूज़ करके ये सब ऑर्डर जो एक्शंस है वो ला सकते हैं. फोक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग पॉलिटिक्स विद बॉर्डर और इमिग्रेशन. I'm interested in fixing it. I said it before. तो वही अभी प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे काम हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं इस कंट्री के लिए, इस कंट्री की इकोनॉमी के लिए, इस कंट्री को अगर नंबर वन पे रहना है तो ये सारे एक्शंस करने पड़ेंगे. और मैं सल्यूट करता हूँ यार डेमोक्रेट्स और प्रेसिडेंट बाइडेन जैसे सोच वाले लोगों की, कि खाली अपना ही नहीं पूरी दुनिया का सोचो. जो भी बंदा यहाँ आ रहा है वो हार्डवर्क करने आ रहा है, वो कोई क्राइम करने नहीं आ रहा है, वो कोई जो है ऐसी एक्टिविटी करने नहीं आ रहा है जिससे लोग ख़त्म हो जाएंगे, जिससे लोगों को दिक्कत होगी. उल्टा यहाँ पे वो लोग आते हैं जो कि हार्डवर्क करते हैं, और इसकी अप्रिसिएशन प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उनको अच्छे से मालूम है. वो इवन खुद कहते हैं कि दिस कंट्री इज कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स. तो हम कैसे अपने इमिग्रेंट्स को वापस भेज दें? इनका ये मानना है जैसे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे उन्होंने बच्चे जो थे वो अपने पेरेंट्स से अलग कर दिए थे. तो ये ह्यूमेन नहीं है, ये एक इंसानियत के नाते जो है एकदम, मैं बोलूँगा, ख़राब चीज़ है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में. तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी वो सब बातें इस स्पीच में की, और उनकी जो स्पीच आप जब सुनोगे ना तो आपको एक वाइज, एक ह्यूमेन नेचर का पर्सन देखने को मिलेगा, जिसमें ना पॉलिटिक्स, देखो पॉलिटिक्स हर जगह रहेगी, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर एक्चुअल जो लोगों को प्रॉब्लम है अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो आप मसीहे से कम नहीं हो. अभी की जो दिक्कत इन्होंने सॉल्व की है, यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जिनको 22 साल 24 साल हो गए हैं पर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पर इस पॉलिसी के बाद उनके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे. सो सल्यूट टू प्रेसिडेंट जो बाइडेन. मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, चको फटे.